हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज प्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू एमएम एकेडमी। आज मैं स्टार्ट करती हूँ डायरेक्शन का सेट नंबर 4। लास्ट 3 सेट्स में मैंने आपको ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस करवा चुके हैं। अब इस क्लास में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे एंड कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस सेट में मैंने कवर किए हैं कोडिंग एज वेल एज एंगल रिलेटेड डायरेक्शन क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमने बेसिक ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है लास्ट क्लासेस में। मैं इसको स्किप करूंगी एंड थोड़ा सा डिटेल दूंगी हमारे एमएम एकेडमी ऐप के बारे में। आप हमारे सारे ही कोर्स एंजॉय कर सकते हैं एमएम एकेडमी ऐप में, जिसमें आपको मिलते हैं यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी एज वेल एज मैनी इंपॉर्टेंट एग्जाम के वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज पीडीएफ। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे एमएम एकेडमी ऐप, आपको ये एमएम एकेडमी ऐप का लोगो डिस्प्ले होगा। देन उसके बाद आप कर सकते हैं उसको साइनअप। साइनअप करने के बाद आपको 2 वीडियो लेक्चर्स फ्री मिलते हैं इन ईच सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं यूपीएससी के सब्जेक्ट, बैंकिंग के सब्जेक्ट एज वेल एज मेनी अदर कॉम्पिटेटिव के सब्जेक्ट। आप वो फ्री वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो। इनकेस आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो गो टू आवर प्रोफाइल एंड परचेज द प्लान। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो आपको काफी सारे हमारे प्लान मिलेंगे जिनको आप परचेज कर सकते हैं विद वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो प्लीज गो थ्रू आवर ऐप एंड परचेज द प्लान एंड एंजॉय आवर कोर्सेज। और आप हमारा पेज ओपन कर सकते हैं themacademy.in पे जाके, जहाँ पे आपको वेरियस कैटेगरीज मिलेंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। फाउंडेशन कोर्सेज मिलेंगे, माइंड मैप मिलेंगे, न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलेंगे ऑन हिंदू एज वेल एज मैनी रेनोन न्यूज़पेपर पे ऑन डेली बेसिस। आप हमारे ऐप पे लर्न कर सकते हैं एनी टाइम एनी वेयर विद गुड क्वालिटी कंटेंट। आपको हम पर्सनल गाइडेंस भी देंगे इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है। तो आप पर्सनली मुझे अपने डाउट सेंड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी क्लास। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैं रीड करती हूँ। शुभाष स्टूड 8 फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो ऑफ बॉयज। ही चेंज हिज पोजिशन टूवर्ड द राइट एंड कीप 3 बॉयज मोर टू हिज लेफ्ट। Obtained 10th position from the right. How many boys were there in the row? Shubhash, लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 8वें स्थान पर है। उसने 3 और लड़कों को अपने बाएं ओर रखते हुए दाहिने ओर अपना स्थान बदल लिया और दाएं से 10वें स्थान प्राप्त किया। पंक्ति में कितने लड़के थे? तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सपोज बहुत सारे बॉयज बैठे हुए हैं एक रो में। ओके, आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं पूरी रो में। और आपसे कंडीशन क्या दी है? ये जो पर्टिकुलर सुभाष है वो 8th नंबर पे बैठा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। मतलब सुभाष के पहले कितने लोग होंगे? 7 लोग होंगे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ही चेंज हिज पोजिशन टूवर्ड राइट। अब उसने क्या किया? अपनी पोजिशन चेंज करी राइट हैंड साइड पे। देन उसने 3 पोजिशन जंप करी एंड अल्टीमेटली वो अपनी इनिशियल पोजिशन से 4th पोजिशन शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स राइट। और ये क्वेश्चन कैसे डिफाइन कर रहा है? ही चेंज हिज पोजिशन टूवर्ड राइट एंड कीपिंग द 3 मोर बॉयज टू हिज लेफ्ट। मतलब उसने अपनी पोजिशन चेंज करी राइट साइड मूव करके, जिससे 3 और लोग उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। देखिए हुआ क्या, इनिशियली जो सुभाष था वो 8 पोजीशन अटेन कर रहा था फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब हुआ कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 7 लोग पहले से आ रहे थे। अब आपसे क्वेश्चन बोलता है कि सुभाष ने अपने आप को राइट हैंड साइड और मूव कराया जिससे 3 और लोग उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएं। तो देखिए, सुभाष पहले 8 पोजीशन पे था, उसने 3 लोगों को और स्पेस दी उसके लेफ्ट हैंड साइड पे। मतलब 8 पोजीशन में एक पर्टिकुलर पर्सन आ जाएगा, 9th पोजीशन पे एक पर्सन आ जाएगा, 10th पोजीशन पे एक पर्सन आ जाएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और वो कहां पहुंच जाएगा? 8th से जंप करके वो पहुंच जाएगा 11th पोजीशन पे। तो अब आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड से सुभाष की पोजीशन कौन सी हो गई? 11th पोजीशन हो गई, जब उसने राइट हैंड साइड अपने आप को शिफ्ट किया। अब आपको क्वेश्चन एक और हिंट दे रहा है कि जो सुभाष है उसकी पोजीशन राइट हैंड साइड से 10th नंबर की है और लेफ्ट हैंड साइड से हमने निकाली सुभाष की पोजीशन 11th नंबर। तो देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से सुभाष की पोजीशन है 11th नंबर और राइट हैंड साइड से सुभाष की पोजीशन है 10th नंबर। तो आप कह सकते हो कि सुभाष के लेफ्ट हैंड साइड पे 10 बॉयज बैठे होंगे, तभी वो 11th नंबर पे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। और अगर राइट हैंड साइड से उसकी पोजीशन 10th है तो मतलब राइट हैंड साइड पे सुभाष के 9 लोग बैठे होंगे, 9 बॉय बैठे होंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने बैठे हुए हैं इन अ रो। तो देखिए, सुभाष के लेफ्ट हैंड साइड पे 10 लोग बैठे हैं, सुभाष के राइट हैंड साइड पे 9 लोग बैठे हैं। तो आप टोटल बॉयज किसे गिनेंगे? ये 10 बॉयज, ये 9 बॉयज और सुभाष खुद एक बॉय है। तो आप इन तीनों का क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। 10 प्लस 11 प्लस 9 गिव अस व्हाट? 20।
तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गए 20, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ये 20। ओके अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन बेस, इसको हम बोल सकते हैं पजल, ये कोडेड बेस्ड डायरेक्शन क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। ए एंड बी मींस ए इज 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी, ए प्लस बी मींस ए इज 3 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ बी, ए हैश बी मींस ए इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ बी, ए एट द रेट बी मींस ए इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ बी। If it's given that f at the rate e hash t, c at the rate d, b plus a, and lastly b and c, what is the minimum distance between f and a? तो आपको कोडिंग से क्या समझ में आता है, जैसे a and b लिखा है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के बीच में हमने क्या रिलेशन फॉलो करी, एंड का सिंबल फॉलो किया, और इस एंड सिंबल का मतलब क्या होता है, 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ। सिमिलरली प्लस का मतलब क्या हुआ, 3 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के। सिमिलरली हैशटैग का मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ, एट द रेट का मतलब हुआ 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ। तो बेसिकली आपको करना क्या रहता है, जो आपका फर्स्ट पर्सन रहता है और सेकेंड पर्सन रहता है उनके बेस में आपको ये वाले पर्सन को सेट करना पड़ता है, और आपस में इन लोगों की रिलेशन कौन डिफाइन करता है, ये सिंबल डिफाइन करता है। मतलब एफ एट द रेट ई, एफ एट द रेट ई में आप यहाँ पर एफ पुट कर दो ए की जगह और ई यहाँ पे पुट कर दो बी की जगह, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ e। तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली जो ये कोड्स दिए हुए हैं इनको आप डिकोड करेंगे, देन उनको प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो देखिए हमने कैसे इसको डिकोड किया, f एट द रेट e मीन्स f इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ e, इतना आपको समझ में आया। सिमिलरली e हैशटैग d का मतलब होता है e इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ d, आपको समझ में आया आप कैसे डिकोड करेंगे। सेम वे में c एट द रेट d होता है c इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ d, b प्लस a को आपने डिकोड किया तो b प्लस a का मतलब होता है b इज 3 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ a। सेम वे b एंड c का मतलब होता है b इज 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ c। अब आप क्या करेंगे, इन सारे चीजों को आपस में कनेक्ट करेंगे और पर्टिकुलर डायग्राम फॉर्म करेंगे डायरेक्शन का। तो देखिए सबसे पहले आप लेंगे f एट द रेट e हैशटैग d, मतलब f इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ e, विच इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ d। तो देखिए आप f को बना लें, सपोज ये हमारा पॉइंट f है, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, f से 1 किलोमीटर ईस्ट पे कौन है, e है, ये हमारे डायरेक्शंस होते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। f इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ e, जो e है उससे 1 किलोमीटर ईस्ट पे कौन है, एफ है। देखिए ईस्ट के 1 किलोमीटर ईस्ट में कौन है, एफ है, हमने लोकेट किया। अब क्या बोला है, ई हैशटैग डी, ई हैशटैग डी का मतलब क्या होता है, ई विच इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ डी, ई कहां लोकेट कर रहा है, 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ डी, मतलब डी के 1 किलोमीटर साउथ में। तो डी का 1 किलोमीटर साउथ कौन सा हो गया, ये साउथ डायरेक्शन हो गया। डी के 1 किलोमीटर साउथ पे हमें क्या मिला, ई मिला। तो ये देखिए ये हमने ऐसे बना दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, c एट द रेट d, मतलब c इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ d, हमें d मिल गया, d के 1 किलोमीटर ईस्ट पे क्या है, c है। तो देखिए d से जब हम 1 किलोमीटर मूव करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, पॉइंट c पे पहुंच जाएंगे, ये भी आपको समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, b प्लस a, लेकिन देखिए आपको b और a अभी तक तो मिले नहीं है, आपको क्या क्या मिल चुका है, f की पोजीशन मिली है, e की पोजीशन मिली है, d की पोजीशन मिली है, c की पोजीशन मिली है, आपको b और a की पोजीशन नहीं मिली। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मिल जाता तो आप ये वाली कंडीशन फॉलो कर सकते थे, तो ये वाली कंडीशन आप अभी क्या करेंगे, स्किप करेंगे, आप नेक्स्ट पे जंप करेंगे b एंड c। अब देखिए इस पे जंप करने से क्या फायदा हुआ, b के बारे में तो आपको कुछ नहीं पता कि b कहां पे है, लेकिन आपको c पॉइंट तो पता है, तो आप c से b निकाल सकते हो, और जैसे b मिलेगा तब आप b से a निकाल लोगे। समझ में आया, तो आप कैसे करोगे, तो देखिए b एंड c, b एंड c का मतलब हुआ b इज 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ c, मतलब c के आप नॉर्थ डायरेक्शन में जब 3 किलोमीटर मूव करोगे, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, तो आप कहां पहुंच जाओगे, b पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो हम पहुंचे b पॉइंट पे। अब हम ये वाली कंडीशन देखेंगे, b प्लस a वाली कंडीशन, b इज 3 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ a, और आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, b इज 3 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ a, मतलब a से जब आप ईस्ट साइड मूव करोगे 3 किलोमीटर, तो आप कहां पहुंच जाओगे, b। इसको आप उल्टा ही बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, a इज लोकेटेड 3 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ
बी, आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको उल्टा, आपको बी पता है। तो देखिए ए कहां पर हो जाएगा, ए इज लोकेटेड 3 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ बी, बी पे आपने रखा अपना कंपस और ये डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी, वेस्ट डायरेक्शन होती है। और आपका ए कहां लाइ करेगा, 3 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ बी। देखिए जब आप मूव करेंगे यहां से 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ बी तो आप कहां पहुंच जाएंगे, पॉइंट ए पे पहुंच जाएंगे। तो आपको सारे पॉइंट मिल गए एफ ई डी सी बी ए और आपने आपस में लोगों को कनेक्ट भी किया, एफ से आप गए ई पे, ई से आपने कनेक्ट किया डी को, डी से आपने कनेक्ट किया सी को, सी से आपने कनेक्ट किया बी को और बी से आपने कनेक्ट किया किसको, ए को। ओके तो आप देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड ए, आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है एफ और ए के बीच में। तो आप मिनिमम डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये आपका पॉइंट है एफ और ये पॉइंट है आपका ए, और एफ और ए का मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन उन दोनों के बीच में खींच दो, तो ये हो जाएगा क्या उन लोगों का मिनिमम डिस्टेंस। अब आप क्लियरली देख सकते हो जो ये ए है, ये बी है और ये एफ है, ये आपस में एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ए से बी कनेक्ट हो रहा है जिसमें बी से एफ कनेक्ट हो रहा है और ए से एफ कनेक्ट हो रहा है। तो आपको ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और यहां पे बन रहा है कितना, 90 डिग्री बन रहा है बी पे, तो ये हो सकता है बेस और ये हो सकता है उसकी हाइट, या फिर इसको बेस बोल सकते हो, ये बोल सकते हो हाइट। तो आप यहां यूज कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, देखिए मैंने यहां पे डिस्प्ले किया अच्छे से, ये ए बी का डिस्टेंस क्या हो गया आपका 3 डिस्टेंस। अब आपको बी एफ का डिस्टेंस 4 निकालना है, ये 4 कैसे निकालेंगे, देखिए बी से सी तक का डिस्टेंस आपको दिया है 3 और आपको ये जो डी और ई का डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर। ओके और आपको ये चीज दिख रही है कि हमने हर जगह पे क्या 90 डिग्री के टर्न लिए हैं, यहाँ भी 90 डिग्री का टर्न, यहाँ भी 90 डिग्री का टर्न, यहाँ भी 90 डिग्री का टर्न, यहाँ भी 90 डिग्री का टर्न। तो अगर आपकी 90 डिग्री के टर्न हो रहे हैं तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, सिमिलरली 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, अगर ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। सी से एफ तक का डिस्टेंस, तो बी से सी तक का डिस्टेंस आपको मिला 3, सी से एफ तक का डिस्टेंस मिला आपको 1, तो बी से F तक का डिस्टेंस कितना हो गया 3 + 1 गिव अस व्हाट 4 किलोमीटर। तो यहां से हमने ड्रॉ किया 4 किलोमीटर। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है मतलब A से F तक का डिस्टेंस है वो हमें कैसे मिलेगा, रूट ओवर 3² + 4² 3² होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 + 16 गिव अस 25, तो रूट ओवर 25 विच मीन्स 5, विच मीन्स AF की वैल्यू क्या हो गई हमारी 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एफ इज 5 किलोमीटर्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया हमारा। ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुषा वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न टू हर राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, अगेन शी टर्न टूवर्ड्स हर राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, देन शी टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर एंड फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर टू रीच हर डेस्टिनेशन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज शी फाइनली विथ रिस्पेक्ट टू हर इनिशियल पोजिशन। तो देखिए सपोज ये है अनुषा, इसकी भी इनिशियल पोजीशन क्या ले लेते हैं ए, ये हमने अजम और हमने अज्यूम क्या किया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अनुषा वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अनुषा कितने किलोमीटर मूव करी, 10 किलोमीटर नॉर्थ साइड, देखिए हमने अनुषा को मूव करा है 10 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। देन टर्न टू हर राइट, अब उसने क्या किया, राइट साइड टर्न लिया और कितने किलोमीटर मूव किया, 4 किलोमीटर मूव करा, तो ये हमारा 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है इस साइड उसका फेस आ गया। अब ए से बी पॉइंट पे आई, वो बी से सी पॉइंट पे आ गई, अगेन शी टर्न टूवर्ड्स हर राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, अगेन उसने राइट टर्न लिया और कितने किलोमीटर कवर किया, 3 किलोमीटर कवर किया, ये सपोज उसने राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर कवर किया, तो पॉइंट कहां पहुंच गई, डी पॉइंट पे। ओके देन शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, अब वो टर्न लेती है लेफ्ट साइड और वॉक करती है 5 किलोमीटर, देखिए डी पॉइंट पे वो कहां फेस कर रही है, साउथ डायरेक्शन पे, और साउथ डायरेक्शन जब फेस कर रही है तो उसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, उसका लेफ्ट हो जाएगा ये और उसका राइट क्या हो जाएगा रे, तो लेफ्ट साइड कितना मूव करेगी, 5 किलोमीटर, देखिए ये 5 किलोमीटर मूव कर रही है, तो कहां पहुंच गई, पॉइंट ई पे, और फेस किस तरफ हो गया उसका, ईस्ट डायरेक्शन में फेस हो गया,
फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर. अब लास्ट में उसने क्या किया, राइट टर्न लिया और कितने किलोमीटर मूव किया, 7 किलोमीटर मूव किया. तो देखिए यहाँ से वो राइट टर्न किस तरफ लेगी, इस तरफ. तो राइट टर्न लेके वो कितना मूव करी, 7 किलोमीटर मूव करी. तो कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई. ये 7 किलोमीटर हो गया, हो गया. और अच्छे से मैं दिखाती हूँ आपको. देखिए ये थी अनुषा. अनुषा ने क्या किया, अनुषा ने नॉर्थ साइक्शन में अपनी जर्नी स्टार्ट करी. अब उसने जर्नी स्टार्ट करते हुए 10 किलोमीटर कवर किया और वो कहाँ पहुँच गई, पॉइंट बी पे पहुँची. फिर उसने क्या किया, पहला राइट टर्न लिया और कितने किलोमीटर कवर किया, 4 किलोमीटर कवर किया. तो वो कहाँ पहुँच गई, पॉइंट सी पे पहुँची. ओके, पॉइंट सी पे पहुँचने के बाद उसने फिर से एक राइट टर्न लिया और कितने किलोमीटर कवर किया, राइट टर्न लेने के बाद 3 किलोमीटर कवर किया. तो अब वो पॉइंट डी पे पहुँची. अब उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न ली और लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 5 किलोमीटर मूव करी. तो कहाँ पहुँची, पॉइंट ई पे पहुँची. और उसका डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये डायरेक्शन हो गया. ये डायरेक्शन होता है ईस्ट डायरेक्शन. अब उसने लास्ट में क्या किया, फिर से एक राइट टर्न लिया और 7 किलोमीटर कवर किया. तो देखिए 7 किलोमीटर यहाँ से यहाँ मूव करी और फाइनल फेस उसका किस डायरेक्शन में हो गया, साउथ डायरेक्शन में हो गया. तो देखिए ये 7 किलोमीटर कवर करते हुए उसकी फाइनल पोजिशन हो गई ये एफ. इतना आपको समझ में आया. तो आप एक चीज बोल सकते हो, ये आपका सपोज नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है. उसने टोटल नॉर्थ कितना कवर किया, यहां से यहां तक का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो यहां तक गई 10 किलोमीटर. और उसने टोटल साउथ कितना कवर किया, ये 3 और ये 7. तो 3+7 मतलब टोटल उसने 10 किलोमीटर साउथ भी कवर किया. तो नॉर्थ और साउथ उसने इक्वल इक्वल कवर किए. तो बोल सकते हो कि उसने नॉर्थ कवर किया जितना, उतने ही उसने साउथ कवर किया. मतलब यहां से वो नॉर्थ गई और फिर रिटर्न होके उतने ही उसने साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल किया. तो फाइनली वो कहां आ गई, जहां से स्टार्ट हुई थी. लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं आई, उससे थोड़ा डिस्टेंस ईस्ट साइड पे आई, क्योंकि हमने और भी तो टर्न लिए हैं. तो देखिए ये अपना ए हो गया, ये अपना एफ हो गया. ए से बी तक की पूरी जर्नी कितनी होगी, 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. और बी से पूरा रिटर्न होते होते एफ तक की जर्नी हो गई पूरा 10 किलोमीटर साउथ. तो आपका जो इनिशियल पोजिशन था और जो फाइनल पोजिशन था, उसमें मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, बस ईस्ट डायरेक्शन में हुआ. तो ये एफ पोजीशन और ए पोजीशन एक ही लाइन में आ रही है. अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको बताना है ए के रिस्पेक्ट में उसने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया. उसकी फाइनल पोजीशन थी एफ और उसकी इनिशियल पोजीशन थी ए. तो ए के रिस्पेक्ट में उसने कितना कवर किया, देखिए जो पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक का, वही तो उसकी जर्नी कहलाएगी. मतलब वही तो उसका डिस्टेंस होगा ए से एफ तक का. तो देखिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे. यहां अगर ये इतना डिस्टेंस 4 है, तो यहां से इतना डिस्टेंस भी अपना 4 हो जाएगा. और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 5 है, तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. तो 4+5 आपको यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा, वो हो जाएगा 9 किलोमीटर. तो आप क्या बोल सकते हो, अनिशा की ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 9 किलोमीटर का. अब आपसे और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको डायरेक्शन बतानी है कि अनिशा कहाँ पहुंची विद रिस्पेक्ट टू हर ओरिजिनल पोजीशन. तो जब भी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि आपको फाइनल पोजीशन पर्सन की दी है और आपको इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में उसको बताना है कि वो कितनी दूर पहुंचा और किस डायरेक्शन में पहुंचा, तो आप ओरिजिनल पोजीशन पे ही क्या रखते हो, अपना कंपास रखते हो. तो ये आपका ओरिजिनल पोजीशन हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू हर ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जिसके साथ विथ रिस्पेक्ट टू हर ओरिजिनल पोजीशन लगा है. तो आप ए पे रखोगे आपका कंपास, देन क्या करोगे, ए से देखोगे एफ का डायरेक्शन. तो देखिए जब हमने कंपास रखा, तो ये डायरेक्शन कौन सा आ रहा है हमारा, ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है. तो अनुषा की फाइनल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हर ओरिजिनल पोजीशन क्या हो गई, ईस्ट डायरेक्शन हो गई. और कभी कभी आपको ये कंफ्यूजन होगी कि कंपास हम यहाँ रख के क्यों नहीं देखेंगे, तो जो भी प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू के बाद लगी रहती है या फिर फ्रॉम के बाद लगी रहती है, वहां पे आप क्या रखते हो, अपना कंपास प्लेस करते हो. और उस जगह से जो जगह पूछी जाती है वहां का डायरेक्शन देखते हो. तो इसलिए हमने कंपास कहाँ प्लेस किया, अपने ए पोजिशन पे प्लेस किया. ओके, तो आपको आंसर क्या मिला, अनुषा इज 9 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू हर इनिशियल पोजिशन या फिर ओरिजिनल पोजिशन. ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. गणेश वेंट फ्रॉम हिज होम टाउन टू हिज ग्रैंडफादर्स हाउस. ही स्टार्टेड हिज जर्नी फेसिंग वेस्ट. फर्स्ट ही वेंट 15 किलोमीटर स्ट्रेट, देन ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट एंड वेंट 23 किलोमीटर्स. फाइनली ही टर्न्ड राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर्स टू रीच हिज ग्रैंडफादर्स विलेज. इन विच डायरेक्शन इज गणेश होम टाउन लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू हिज ग्रैंडफादर्स विलेज. हिंदी में रीड करती हूँ. गणेश अपने गृहनगर से अपने दादा के घर गए. उन्होंने अपनी यात्रा पश्चिम दिशा से शुरू की. पहले वह 15 किलोमीटर सीधा चला,
फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ा और 23 किलोमीटर चला। अंत में वह दाएं मुड़ गया और अपने दादा के गांव पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर चलकर गया। गणेश का गृह नगर किस दिशा में स्थित है अपने दादा के गांव के संबंध में? तो देखिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं। सपोज ए पॉइंट है गणेश का होम टाउन और वो कहाँ जा रहा है? अपने ग्रैंडफादर के घर। और उसको कितना कैसे ट्रेवल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ही स्टार्टेड हिज जर्नी फेसिंग वेस्ट। उसकी जर्नी उसने वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करी। तो देखिए सबसे पहले ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब उसका इनिशियल डायरेक्शन क्या होगा? वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया। ओके, ही स्टार्टेड हिज जर्नी फेसिंग वेस्ट। फर्स्ट ही वेंट टू 15 किलोमीटर स्ट्रेट। सबसे पहले वो कहाँ गया? 15 किलोमीटर गया वो स्ट्रेट। ये हो गया उसका 15 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो कहां पहुंचा? पॉइंट बी पे पहुंचा। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 15 किलोमीटर। उसका फेस किस तरफ है? टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में। अब क्या बोल रहा है? देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब वो किस तरफ टर्न कर रहा है? लेफ्ट साइड। देखिए ये हो जाएगा उसका राइट साइड और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट साइड। ओके, तो वो टर्न किस तरफ कर रहा है? लेफ्ट साइड। और कितना मूव कर रहा है? 23 किलोमीटर। देखिए 23 किलोमीटर उसको मूव करा दीजिए। ये हो गया 23 किलोमीटर। ये हो गया पॉइंट बी। तो अब वो कहां पहुंचा? पॉइंट सी पे पहुंच गया। फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर। लास्ट में उसने क्या किया? टर्न किया राइट। पहले उसने टर्न किया था कैसा? लेफ्ट। अब देखिए साउथ डायरेक्शन में ये हो जाएगा उसका राइट और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट। तो वो फाइनली कैसा टर्न ले रहा है? राइट टर्न ले रहा है और मूव कर रहा है 7 किलोमीटर। तो उसने राइट टर्न लिया और कितना मूव किया? वो 7 किलोमीटर मूव किया। ये सपोज 7 किलोमीटर हो गया और कहां पहुंचा? पॉइंट डी पे। और रीच हुआ ग्रैंडफादर्स हाउस, मतलब कहां पहुंच गया? डी पॉइंट हो गया उसका ग्रैंडफादर का हाउस। ओके, ये ग्रैंडफादर का हाउस हो गया और ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? उसका होम टाउन था। अब आपको फाइनली बताना है इन विच डायरेक्शन इज गणेश होम टाउन लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू हिज ग्रैंडफादर हाउस। तो आपको बताना है ये डायरेक्शन, ये क्या हो गया? ये डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? गणेश के ग्रैंडफादर का हाउस और उसके होम टाउन के बीच का डायरेक्शन। और आपको कहां से बताना है? गणेश के ग्रैंडफादर के हाउस से। तो आप प्लेस कहां करेंगे अपना कंपास? यहां पे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ और ये हो जाएगा आपका वेस्ट। आपको डायरेक्शन कौन सी फाइंड करनी है? ये वाली डायरेक्शन। तो देखिए, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और अच्छे से देखिए, ये था गणेश का होम टाउन। अब उसने कहां मूव किया? उसने मूव किया वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी वेस्ट डायरेक्शन में फेस करते हुए। ये हो गया उसका फेस। और उसने कितना मूव किया इनिशियली? 15 किलोमीटर मूव किया। देन उसके बाद उसने फर्स्ट लेफ्ट टर्न लिया, तो फर्स्ट लेफ्ट टर्न लिया, ये हो जाएगा इसका राइट टर्न और ये हो जाएगा लेफ्ट टर्न। जब वो किस तरफ फेस कर रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। उसने जब अपना पहला लेफ्ट टर्न लिया तो उसका डायरेक्शन कौन सा हो गया? ये डायरेक्शन हो गया। अब उसने कितना कवर किया? 23 किलोमीटर्स कवर किया। तो फाइनली वो कहाँ पहुंचा? पॉइंट सी पे पहुंच गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अब उसने लिया राइट टर्न, ये हो गया राइट टर्न। जैसे उसने राइट टर्न लिया तो उसका डायरेक्शन कौन सा हो गया? ये डायरेक्शन। और उसने कितना किलोमीटर कवर किया? 7 किलोमीटर्स कवर किया। यहां से यहां तक डिस्टेंस 7 किलोमीटर। और फाइनली वो पहुंचा पॉइंट डी पे, जो था उसके ग्रैंडफादर का हाउस। ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपको उसके ग्रैंडफादर के हाउस से उसका होम टाउन का डायरेक्शन बताना है। मतलब आपको बताना है गणेश का होम टाउन विथ रिस्पेक्ट टू हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ लगा है? ग्रैंडफादर के हाउस के साथ। तो हम कहाँ पे अपना कंपास प्लेस करेंगे? ग्रैंडफादर्स पॉइंट पे, मतलब ग्रैंडफादर के हाउस के पॉइंट पे। तो हम पॉइंट डी पे प्लेस करेंगे अपना कंपास। तो ये डायरेक्शन हो गया हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया हमारा साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन। हमें फाइंड करना है कौन सा डायरेक्शन? ये वाला डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो देखिए ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विच इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, रवि इज वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न 45 डिग्री लेफ्ट देन 90 डिग्री राइट। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ? अब देखिए, आपको सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा 45 डिग्री का कंसेप्ट सिखाऊंगी। देखिए ये होता है हमारा कंपास, ये होता है नॉर्थ,
यह होता है ईस्ट, आपको पता है नॉर्थ से ईस्ट तक जाने के लिए आपको 90 डिग्री का एंगल से मूव करना पड़ता है। आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आप ईस्ट पे पहुंचोगे, अगर नॉर्थ से आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, वेस्ट पे पहुंचोगे। तो यहां से यहां तक आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, ये अगर पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये जो मिड का एंगल होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का 90/2 विच मीन्स 45 डिग्री। तो ये इतना एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। और अब इस डायरेक्शन को क्या बोलते हो जो मिड पे रहता है नॉर्थ ईस्ट के, इसको बोलते हो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है डायरेक्शन जो मिड से जाता है उसको आप क्या बोलते हो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 45 डिग्री, और यहां से यहां तक का 45 डिग्री। सिमिलरली यहां से यहां तक का 45 डिग्री एंड यहां से यहां तक का 45 डिग्री, यहां से यहां तक का 45 डिग्री और यहां से यहां तक का 45 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। अगर आप ये जो नॉर्थ ईस्ट आया है मतलब नॉर्थ और ईस्ट के मिड का, इसका भी मिड निकाल लेते हैं, तो देखिए यहां से यहां तक का कितना एंगल था, 45 डिग्री। तो इसका मिड का एंगल कितना हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा। तो इसको आप क्या बोलते हो, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हो। और इसका वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 22.5 डिग्री। देखिए यहां पे अगर आप ईस्ट से 22.5 डिग्री मूव करते हैं तो आप कहां पहुंच जाते हैं, इस डायरेक्शन को बोलते हैं आप ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपने इसकी नेमिंग समझी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच को बोलते हैं आप नॉर्थ ईस्ट, और जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन होता है मतलब ये डायरेक्शन इसके बीच का, इसको आप क्या बोलते हो, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हो। सिमिलरली नॉर्थ और ईस्ट के मिड का एंगल, सिमिलरली इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रवि इज वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। सपोज ये है रवि और इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ए। ओके, अब वो मूव कैसे कर रहा है, वॉक कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ओके, तो देखिए इस डायरेक्शन पे उसने मूव किया, कहां पहुंचा, यहां पे पॉइंट बी पे पहुंचा। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न टू 45 डिग्रीज लेफ्ट। देखिए उसने इस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर कवर किया और उसने टर्न लिया टूवर्ड्स हिज लेफ्ट और 45 डिग्री से टर्न लिया। तो देखिए इस डायरेक्शन में उसका राइट कौन सा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो उसने टर्न किया लेफ्ट, ये होता है पूरा 90 डिग्री टर्न, और ये इतना कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री टर्न। देखिए यहां से ये स्ट्रेट लाइन है, सपोज यहां से इतना टर्न कितना हो जाएगा उसका, 45 डिग्री टर्न। ओके, यहां भी मैंने आपको बताया था ना ईस्ट में मूव कर रहा है, ईस्ट से वो कितना मूव कर रहा है, 45 डिग्री अगर टर्न लेता है तो वो कहां पहुंच जाता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये भी कौन सा डायरेक्शन हो गया उसके लिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो वो बी पॉइंट पे था, अब वो कहां पहुंच गया, सी पॉइंट पे पहुंच गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, देन 90 डिग्री राइट टर्न। अब उसने क्या किया, इस पॉइंट पे आके 90 डिग्री कौन सा टर्न लिया, उसने राइट टर्न लिया 90 डिग्री। तो देखिए यहां से 90 डिग्री राइट टर्न कैसे हो जाएगा, ये आपकी फेसिंग है इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा आपका राइट साइड। तो आप राइट साइड में कितना टर्न ले लोगे, 90 डिग्री का टर्न। तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा फाइनल, ये डायरेक्शन। आपने कितना टर्न लिया, 90 डिग्री का टर्न लिया, तो आपका फाइनल डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। सपोज ये पॉइंट है अपना डी पॉइंट। ओके, अब आपको बताना है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, अब आपको बताना है कि वो कौन से डायरेक्शन में आ गया। अब ये डायरेक्शन कैसे आप निकालोगे, ये डायरेक्शन आप निकाल सकते हो उसके जस्ट प्रीवियस वाले पॉइंट पे आके। देखिए ये उसके जस्ट प्रीवियस वाला पॉइंट हो गया, आपका फाइनल पॉइंट क्या मिल रहा था आपको, डी। उसके जस्ट प्रीवियस वाला पॉइंट कौन सा है, सी। इस प्रीवियस वाले पॉइंट पे आप रख दो अपना कंपस। तो देखिए मैं कंपस रखती हूँ उस पॉइंट पे, यहां हमने क्या रखा, कंपस रखा। ओके, ये हमारा कंपस है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये साउथ डायरेक्शन हो गया और ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया। ओके, हमने कंपस रखा तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ईस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन को आप क्या आप नेम करते हो, इसको आप नेम करते हो साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और देखिए अच्छे से, यहाँ पे रवि खड़ा था और वो फेस कर रहा था टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन है। उसने कवर किया 1 किलोमीटर, देन उसका फेस किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, इस साइड मूव करने में। अब उसने क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया और लेफ्ट टर्न कितना लिया उसने, 45 डिग्री का। तो देखिए यहाँ से 45 डिग्री उसने मूव किया। ओके, तो देखिए उसका डायरेक्शन कौन सा हो गया,
ये डायरेक्शन हो गया, देन उसने थोड़ा सा मूव किया और फिर आफ्टर सम टाइम उसने क्या लिया, एक राइट टर्न लिया। तो देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन से राइट टर्न आप ले लेंगे तो उसका फेस किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। ये पॉइंट हमारा हो गया डी पॉइंट। अब आपको बताना है डी का डायरेक्शन, तो मैंने क्या बताया था, तो जब भी आपको किसी लाइन का डायरेक्शन निकालना रहता है तो आप उसके जस्ट प्रीवियस पॉइंट पे जाते हैं और वहाँ कंपस रख देते हैं। तो ये हो गया उसका प्रीवियस पॉइंट, पॉइंट सी। यहाँ पे रखा आपने क्या, कंपस। ये आपका कंपस हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया उसके हिसाब से, ये डायरेक्शन हो गया आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो आपको डी का डायरेक्शन क्या मिला, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब करती हूँ एंड में अपनी क्लास का, जो सेट वन से फोर्थ तक है वो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के प्री में, और अब मैं पढ़ाऊंगी आपको जो बैंकिंग और एसएससी के मेंस में आते हैं वो वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पजल्स ऑन डायरेक्शन। स्टे विथ मी एंड अटेंड माई नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।